एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्टेट की पीक पे होते हैं, दैट मीन्स हाइट पे होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंस इमोशन को फील कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो जैसे कि हैप्पीनेस है, जॉय है, कॉन्फिडेंस है, या वो कोई नेगेटिव इमोशन है जैसे कि डिप्रेशन है, सैडनेस है, अनइजीनेस है, फियर है, तो जब भी हम किसी भी स्टेट की पीक पे होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो भी चीजें देखते हैं, जो सुनते हैं या जो टच करते हैं, फील करते हैं, वो चीजें आपस में कनेक्ट कर जाती हैं और वो ट्रिगर का काम करने लगती हैं देन ऑनवर्ड्स। यानी कि सपोज करिए कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और उसी पर्टिकुलर टाइम आपके सामने कोई पर्सन है, हो सकता है कि आपके उस एंगर के लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपने ऑफिस के किसी रीजन से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, लेकिन सामने कोई पर्सन है और आप उस पर्सन को देख रहे हैं और वो पर्सन आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, उसके विजुअल्स आपके सामने हैं और कई बार उसके विजुअल्स यानी कि वो इंसान का जो चेहरा है, उसके जो हाव भाव है, वो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं आपके उस अनरिसोर्सफुल स्टेट से, यानी कि उस अनइजीनेस के साथ, राइट, उस एंगर के साथ, और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उस पर्सन के प्रेजेंस में या जब वो पर्सन आपके सामने होता है, आप अनोइंगली कुछ एंगर फील करते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साइकोलॉजिकली एक कनेक्शन बन गया है, एक न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन बन गया है जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। इसे पावलोव कंडीशनिंग कहा करते थे, राइट, एनएलपी में हम जिसे एंकरिंग कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं। तो अब समझने की जरूरत है कि जब हम अपनी जिंदगी में नेगेटिव इवेंट्स में रहते हैं या नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हम बहुत अच्छे एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस में, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों को एंकर बनाना चाहिए? क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि जब आप बहुत खुश हैं या आप बहुत दुखी हैं, अगर उस समय आप वाइन का ग्लास उठा लेते हैं तो वाइन का ग्लास ऐसा एंकर कनेक्ट हो जाता है आपके साथ में कि अगली बार जब आप दुखी हैं तो आपको वाइन का ग्लास याद आएगा, या अगली बार आप बहुत खुश हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो वाइन का ग्लास याद आएगा। जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, वो सारे एडवर्टाइजमेंट एंकरिंग करते हैं, वो हमेशा किसी स्टेट को आपके साथ एंकर करते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी लिकर का एडवर्टाइजमेंट हो और उसमें एक इंसान को दिखा रहे हो जो शायद नाली में गिरा हुआ है और उसको चोटें लगी हुई हैं? कभी भी वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट के साथ एंकर कर देगा उस वाइन को। वो हमेशा क्या दिखाते हैं, इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, बड़ा सक्सेसफुल हो गया है, या वो अपने लोगों के बीच में है, या किसी अदर, जैसे कहते हैं कि किसी फीमेल के साथ है, या कोई फीमेल है तो किसी मेल के साथ है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसे विजुअल्स आपके सामने लेके आते हैं, सो दैट वो एंकरिंग, वो कनेक्शन बन जाए। तो जब हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में अगर आप अपने घर में हैं, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में हैं, या अपने किसी क्लोज वन के साथ हैं, तो आप उन लोगों की तरफ देखें, आप उन लोगों को देखें, राइट। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो मे बी आप कोई जेस्चर कर सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं यस, और आपका ये जो यस है ये आपके लिए उस कॉन्फिडेंस का एंकर बन सकता है। अगर आप बहुत खुश हैं तो हो सकता है आप अपने आप को हग कर सकते हैं और कह सकते हैं लव यू, लव माई सेल्फ, राइट। और क्या होगा कि वो एंकरिंग का काम करेगा, वो हेल्प करेगा आपको एंकर करने में। तो सिर्फ आप जो टच कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत खुश हैं और आपके आसपास आपके लाइफ पार्टनर हैं या बच्चे हैं या कुछ और लोग हैं और आप उनको देख रहे हैं, उनके बीच में हैं, उस घर के एनवायरनमेंट में हैं, तो वो भी एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो, स्पेसिफिकली उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि एंकर आपके लिए यूनिक होना चाहिए, तो शायद उस घर को तो आप हमेशा देख रहे हैं, तो वो यूनिक एंकर नहीं बन रहा है, क्योंकि आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में भी उस घर को देख रहे हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में भी उस घर को देख रहे हैं। लेकिन आप कोई यूनिक एंकर बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप खुद को हग कर सकते हैं, आप खुद को टैप कर सकते हैं, आप वेल डन कह सकते हैं, आप अगर किसी चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हैं तो मे बी आप आंखें बंद करके जिसको भी आप अपना एक तरीके से बोलते हैं कि गॉड मानते हैं या जो भी पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उसकी तरफ ग्रेटफुल हो सकते हैं हैंड जॉइन करके। तो कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी, वो सारी चीज़ें उन स्टेट्स की एंकर बन जाएंगी, वो कनेक्शन क्रिएट होगा, राइट। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दैट एंकरिंग। तो इस तरह से अगर हम एंकर्स को बनाएंगे, यूज करेंगे, पॉजिटिव अच्छे एंकर्स को यूज करेंगे, तो वो हमें बहुत काम आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू फील हैप्पी, आप उस एंकर को ट्रिगर कर सकते हैं और वो आपके अंदर कोई नुकसान भी क्रिएट नहीं कर रहा, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस।